कन्नौज में कोविड संक्रमण के बुरे समय में गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वरदान साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार को राशन कार्ड पर मिलने वाले तय राशन से 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना संकट में 2 बार लॉकडाउन लगने के बाद गरीब परिवारों के आगे रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले साल से लगातार निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी योजना का लाभ इस साल दिवाली तक लाभार्थियों को मिलता रहेगा। कोरोना में काम धंध सब बंद हो गए थे, कहीं पैसा आने की कोई रास्ता ही नहीं थी, तो ये मोदी जी ने राशन 2 बार महीने में बंटवाया फ्री। उससे हम लोग गरीब लोगों को कुछ सहायता मिली। सरकार के लिए सरकार अच्छी है इस मामले में। फायदा हो रहा है कि मतलब लॉकडाउन में काम वाम तो कहीं चल नहीं रहा था, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी, तो महीने में 2 बार फ्री राशन मिला, तो उससे बच्चों का पेट भरता रहा, तो बहुत अच्छा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी, काम धंधे सब बंद थे, मतलब राशन मिलता है फ्री, इसलिए खाने पीने घूमने का आराम है थोड़ी, और सब कुछ सही है। महीने में 2 बार मिलता है राशन फ्री। कितना मिलता है? 15 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल। काम वाम नहीं मिलता तो एक महीने में 2 बार राशन मिलने लगा, फ्री मिलता है बिल्कुल, 10 किलो राशन मिल जाता है दो महीने टाइम में। तो परिवार का तो हाँ, आप खुद मोदी जी को धन्यवाद।